तो हमने सैनिक और फास्ट एपीआई, सैनिक और फ्लास्क को हमने कर लिया था, आज फास्ट एपीआई को करेंगे। ये भी एक वेब फ्रेमवर्क है जो यूबिकॉर्न यूज करता है सिंक्रोनियस चलने के लिए। सैनिक फास्ट दोनों ही बेटर है, बट सैनिक थोड़ा लेटेस्ट है तो कहते वो और भी ज़्यादा फास्ट है, आपकी लाखों क्यूरीज को सेकंड के हिसाब से हैंडल कर सकता है। अब हम सैनिक इसका फास्ट का ट्यूटोरियल देखते हैं। फास्ट एपीआई डॉट एप्लीकेशन इम्पोर्ट फास्ट फास्ट और ये फ्लास्क एंड सैनिक के जैसा हमने किया था पहले, ऐप को इनिशियलाइज किया था, उसी तरीके से हम फास्ट में भी यही करेंगे। अब इस ऐप से हम रन करेंगे अपना कोड एंड जो भी रिक्वेस्ट होगी उनको हम पब्लिश करेंगे। टेस्ट नेम, ये मेन मेथड है कि हमारा जो कोड है वो मेन में ही चले। अब आपको यूबिकॉर्न इंस्टॉल करना पड़ेगा और फास्ट एपीआई। यूबिकॉर्न ये जो इसको एसिंक्रोनस चला, तो यहाँ पर हम वर्कर्स दे सकते हैं कि अगर दो या तीन वर्कर होने चाहिए। होस्ट पोर्ट सब हम यहीं पर ही डिफाइन करेंगे। मैं इसको कर देता हूँ 8000। ओके, 0 एंड 8000, और यहाँ पर हमें ऐप को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको एक बार चला के देखते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया 8000। हम इसलिए कर रहे हैं कि यदि हम सर्वर पर भी अपलोड करेंगे तो हमारी आईपी के थ्रू वो ओपन हो जाए, लोकल होस्ट मतलब उसी कंप्यूटर पर ओपन ना हो, अदर पर भी करना चाहते हैं तो 0000 हमें ऐड करना पड़ेगा, ये यूनिवर्सल है। तो अब हम यहाँ पर एक कोई भी कॉल बना लेते हैं, डेफ, ये मैंने दे दिया फंक्शन, और यहाँ पर रिटर्न कर दिया। पहले हम कोई भी एक टेक्स्ट रिटर्न करेंगे, हम इन्यूमरेटर यूज करेंगे, ऐप गेट कॉल हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको एज ए टी लिख देता हूँ टेक्स्ट। तो अब यदि हमें इसको नॉर्मल रन करता हूँ एक बार, फर्स्ट एपीआई में रिस्पॉन्स जैसे हमने सैनिक में रिस्पॉन्स ऐड किए थे, ऐसे ही इसमें भी रिस्पॉन्स है। ठीक है, यहाँ पर है, बट ये एज ए टेक्स्ट नहीं आ रहा, हमें टेक्स्ट में रिस्पॉन्स लेना होगा, तो प्लेन टेक्स्ट रिस्पॉन्स को कॉल कराएंगे। ये बाय जे टेक्स्ट वर्क कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हम जेसन और अपना एचटीएमएल रिस्पॉन्स इन सब को भी करते हैं। ये आ गया एचटीएमएल रिस्पॉन्स। मैं यहाँ पर एज ए जेसन डाल देता हूँ इसको, जे आप नाम चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पर एचटीएमएल रिस्पॉन्स। जेसन रिस्पॉन्स आपके कोई भी की हो, एंड यहाँ पर मैसेज, ठीक है, एंड एचटीएमएल मैच हो गया। यहाँ पर हमें एचटीएमएल का कंटेंट डालना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट फाइल का नाम नहीं डाल सकते, यहाँ पर कंटेंट जाएगा। विद कर देते हम ओपन, पहले हमारी जो भी एचटीएमएल फाइल होगी उसको हम ओपन करेंगे।
टेम्पलेट्स स्लैश एड और HTML। HTML फाइल डेटा हमारा ये प्रिंट होना चाहिए जैसे हम इस कॉल को एक्सेस करेंगे। एड एफ HTML कंटेंट नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया एफ डॉट, हम इसको रीड करें इसका जो भी डेटा होगा उसको रीड करेंगे एंड यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट। ठीक है, पहले हम जेसन का चेक करते हैं देन HTML रिस्पॉन्स का चेक करेंगे। जी किया जेसन काम कर रहा है हमारा और HTML का डेटा भी काम कर रहा है इस तरीके से। एंड अभी हमने क्या कि इसको बाइट्स में रीड किया और देन हमने सेट किया है। और इसमें एक ऑलरेडी फैसिलिटी भी आती है कि फाइल को ही हम डायरेक्ट शो करा सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि हम HTML फाइल को ही प्रिंट कराएं, अदर फाइल जैसे हमारे कोई मीडिया फाइल होगी इमेज होगी उन सबको भी हम फ्रंट पर शो करा सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली ही उसको कन्वर्ट कर देगा। अभी तो हमने रीड किया है बट फाइल में सब कुछ ऑटोमेटिक कर देगा। ठीक है, ये लो हमारा HTML डेटा आ गया। तो इस तरीके से हमने टेक्स्ट को प्रिंट किया, जेसन को प्रिंट किया, फाइल को रीड करके देन प्रिंट किया और फाइल रिस्पॉन्स को रीड किया। तो सैनिक में भी इसी तरीके से हमने सैनिक डॉट रिस्पॉन्सेज यूज किया था, यहाँ पर हमने फास्ट एपीआई डॉट रिस्पॉन्सेज यूज किया था। जैसे यहाँ पर ये रहा रिस्पॉन्स टेक्स्ट HTML जेसन ये सब। एंड यहाँ पर हम यूविकॉन यूज कर रहे हैं, इसी के अंदर ही आप दे सकते हो वर्कर, यानी कि जब भी आपकी ये ऐप चलेगा तो कितने वर्कर्स चलने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक पे 100-200 रिक्वेस्ट आपकी हिट हो रही है तो आप चाहते हैं अपने आपकी एप्लीकेशन 4 बार चल जाए ताकि एक बार ही लोड हमारा ना पड़े ज़्यादा। तो इस तरीके से ये 4 या 5 बार वर्कर चलेगा। तो ये हमारा फास्ट एपीआई था बेसिक। एंड आगे हम डेटाबेस से कनेक्शन हो गया और भी जो एडवांस चीज़ है वो सब करेंगे हम इन्हीं फ्रेमवर्क में, फ्लास्क सैनिक एंड फास्ट एपीआई।